हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माहीज डायरी में। चलिए आज चने की एक अलग वैरायटी बनाते हैं, पालक चने। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पूड़ी, चावल या फिर रोटी के साथ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको भिगो देंगे 6-7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट, ताकि अच्छे से फूल जाएँ। ये ऐसे काबुली चना थे जिसको मैंने रात को ही भिगो दिया था और ओवरनाइट ये देखिए कैसे फूल गया काफ़ी अच्छे से। तो सबसे पहले इसको हम उबाल लेंगे। एक प्रेशर कुकर में इसको 5 से 6 विसल्स दिलवा लूँगी मैं इसको, बिल्कुल मीडियम गैस पे। पानी मैं इसमें बिल्कुल इतना ही डालूँगी कि सिर्फ ये चने डूब जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। साथ में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और मैं इसमें कोई भी मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। ये है 1/2 किलो कटी हुई पालक, जिसकी सॉफ्ट सॉफ्ट जो डंडियाँ थी मैंने साथ में ही ले ली है। इसे 3 से 4 बार पानी में वॉश कर लिया है, और अब मैं इसे पका लूँगी उबलते हुए पानी में 5 से 7 मिनट के लिए, या फिर इसे आप प्रेशर कुक भी कर सकते हो 1-2 विसल्स आने तक। चलिए, जैसे ही पानी उबल गया मैंने डाल दी इसमें सारी पालक। अब मैं इसे अच्छे से पका लूँगी जब तक कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी ठंडे पानी में, और फिर ठंडा करके मैं डाल दूंगी ग्राइंडर जार में, और हम इसकी बना लेंगे एक फाइन सी प्यूरी। पानी अगर ज़्यादा लगे आपको बीच में तो आप पहले ही निकाल दो, क्योंकि फिर बाद में उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाता है पकाने में, तो पानी रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छी प्यूरी बन जाती है। लीजिए, प्यूरी रेडी। चलिए चने चेक कर लेते हैं, चने भी अच्छे से पक चुके हैं। पानी जो है ये फेंकेंगे नहीं, ये बाद में काम आ जाता है। चलिए अब चने बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो कटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हो, कढ़ाई में तूफान आ जाता है पेस्ट डालने के बाद। तो जैसे ही ये तूफान शांत हो जाएगा, मतलब ये अच्छे से पक जाएगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। 2 प्याज है ये, मैंने बारीक काट लिए हैं। इनको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद सबसे पहले मैं ऐड करूंगी अपने मसाले। मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक पहले ही हम डाल चुके हैं चनों में थोड़ा, इसलिए अब थोड़ा कम ही डालूंगी। फिर डाला 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। बस इन सबको अच्छे से भून लूँगी मैं, यानी कि सॉटे कर लूँगी, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी। अब इसे ऐसे ही अच्छे से 3-4 मिनट के लिए और पका लूँगी, और जैसे ये पक जाएगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच दही के, क्योंकि पालक में ना कई बार हल्का सा एक कड़वापन होता है, तो उसका टेस्ट ये बैलेंस कर लेता है बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको ऐड करने के बाद। बस इसको ऐसे ही अच्छे से पका लो, और फिर इसमें ऐड कर दो सारे चने। चने मैंने बताना भूल गई, 250 ग्राम चने भिगोए थे मैंने, ये 250 ग्राम चने हैं। तो मैंने अभी बिना पानी के इनको ऐड किया है, पानी की ज़रूरत होगी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। काफ़ी सूखे सूखे लग रहे हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया वो सारा पानी जो चने में हमारा बचा था, वो सारा पानी मैंने ऐड कर दिया। आपको कितने पतले रखने हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे आपको चावल के साथ खाने हैं तो आप और ज़्यादा पतले कर सकते हो इसमें पानी ऐड करके, और वैसे भी जब ये बन जाते हैं तो बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप उबला हुआ पानी ऐड करो और बस अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी सेट कर लो। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और 5 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं, ये देखो। अब ये चने हैं तो हल्का सा खट्टापन तो इसमें होना ही चाहिए, तो उसके लिए या तो इसमें 1 चम्मच आमचूर ऐड कर दो, या फिर अनारदाना। मैं अनारदाना ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। इसको अच्छे से मिक्स करो और बस 1-2 मिनट के लिए और पका लो। अभी एक स्पेशल तड़का लगना बाकी है, पर उससे पहले मैं टेस्टिंग कर लूँगी और अपने अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस एडजस्ट कर लूँगी। चलिए, चने तो अभी ये रेडी हैं, पर इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ एक और तड़का, और वो है देसी घी का। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं इससे और भी चने। जिन्हें नहीं पसंद है देसी घी वो इसको स्किप भी कर सकते हैं,
बस इसमें मैंने अदरक और सूखी लाल मिर्च डाली है। इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके मैं अदरक को बस ऐड कर दूंगी चनों में। बहुत ही अच्छा एक शाइन आ जाता है चनों में और टेस्ट भी बढ़ जाता है। हम पंजाबियों के तो वैसे भी फेवरेट होते हैं चने। हम लोग बहुत चने खाते हैं, लाइक पूड़ी चने, भटूरे चने, कुलचे चने, और अभी आपके पास एक और वैरायटी होगी पालक चने। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है ना। बच्चों को पालक खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ज़रूर ट्राई करना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो। चलिए, मैंने तो एंजॉय किया इसे पूड़ी के साथ। आप इसे रोटी, चावल या फिर पूड़ी, भटूरे, जिसके साथ एंजॉय करना चाहो कर सकते हो। चलिए आप भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताना मुझे कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।